पुंछ जिले के मेंढर सब डिविजन के बालाकोट सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए एक 19 वर्षीय युवक को पकड़ा है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया युवक अफगानिस्तान का रहने वाला है। युवक ने अपनी पहचान अब्दुल वाहिद पुत्र सरवर शकील के रूप में बताई है। युवक ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वह अफगानिस्तान के काबुल शहर का रहने वाला है। युवक के कब्जे से 60 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। युवक ने पठानी सूट पहना हुआ था और उर्दू व पश्तो भाषा में बात कर रहा था। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि वह भारतीय सीमा में किस मकसद से घुसा था। सेना को पूछताछ के दौरान युवक के कब्जे से कोई अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, जिसके चलते सेना ने युवक को मेंढर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक की मेडिकल जांच करवाने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उससे भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के मकसद के बारे में पूछताछ कर रही है। कोई नहीं, अब ले जाओ कोई। दो बंदे आ जाएंगे।